हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बगीचे का दृश्य यानी कि जो गार्डन होता है उसका दृश्य देखेंगे कि जो मॉर्निंग का टाइम होता है उसमें जो गार्डन होता है, या इसके लिए एक अलग भी है अमेरिका में पार्क वर्ड का यूज़ किया जाता है इसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे ऑन गार्डन इन संस्कृत लैंग्वेज, फूल वारी नाम श्रुत्वा मना सुखी भवती। फूल वारी यानी गार्डन को कहते हैं, यानी कि जहाँ पे मेनली गार्डन गार्डन लगे होते हैं, ये नाम सुनकर मन को सुख मिलता है। मैरी गोल्डम सूर्य पुष्पम च आनंददायकम अस्ति। जो मैरीगोल्ड है, सूर्य पुष्प है, ये सब आनंद देने वाले पुष्प हैं। किम वक्तव्य गुलाबस्य पुष्पराजस्य, क्या आपने सुना है कि जो गुलाब है उसे पुष्पों का राजा कहते हैं। ये एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसकी क्वेश्चन की स्थिति बन रही है, यानी कि एक एक्सक्लेमेटरी साइन है, एक्साइटेड होके ये बच्चा बोल रहा है। रक्त श्वेतम पीतम च गुलाब दृष्ट्वा एव निर्मितम भवति। रक्त यानी लाल, सफ़ेद, पीला, गुलाबी, इन सब रंग के गुलाब आपने देखे हैं। भृंगा रंग पुष्पाणाम ऊपरी भ्रमंती, आपने वो देखा होगा, एक भौरा होता है, जो भौरा होता है वो पुष्पों के ऊपर भ्रमण करता है। फूल वारिया नाम भृंगा नाम गुंजन अस्माकं मधुकरम, फूले के ऊपर इसका गुंजन करना कानों को मधुर बना देता है। माली पुष्पाशी वर्धमाना नाम पुष्पा नाम पालनम करोति, जो माली होता है वो पुष्पों को वर्धमान यानी बढ़ाने के लिए कार्य करता है। सतान प्रतिदिनम जलम ददाति, वो जो माली होता है उसके लिए सह यहाँ पे प्रयोग किया, ये जो सह है वो माली के लिए प्रयोग किया गया है। तो जो माली होता है वो उन पर प्रतिदिन जल छिड़काव करता है। यदा कश्चन वनस्पति अति बृहद भवति तदा सह तम छिंदति, जब जैसे जैसे जो वृक्ष वो अति वृक्ष है बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनको देख रेख की जरूरत नहीं पड़ती। सत्यमेव फुलहारी अस्मा का मन स्फूर्तिम करोति, सच कहूँ तो ये जो फुलहारी यानी फूलों से भर हुई चारों तरफ जो जगह है वो मेरे मन को स्फूर्ति प्रदान करती है। वयम प्रतिदिनम प्रातः सायं वा फूलवारियम भ्रमणार्थम गंध, हम सुबह प्रातः यानी सुबह और शाम को गार्डन घूमने जाते हैं। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स।